अय मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, ये गीत जात या नई जोड़ी है। बड़ा शंका भी तुम लोगन के हो कोई हम ही कहते हैं, जब राजा दशरथ तीन ठे ली अना है तो का हमान मूल निवासी चारों पांच के मध्यम आई तो ध्यान रहे, समय बदल रही है, देश बदल रहा है। जवाब केवल तनिषा हम हूं, ये समय डिप्रेशन में है। अब तक तो अच्छा निबहल, लेकिन अब गाड़ी हमार बजल थे, लेकिन निबह जाए। सवाल पर सवाल ऐसा चंपत है, हीरा की का कही। आपो का कौनो बात हो तो आप बताई। एगो बात हमरा समझ में ना आवत है, बताइबा का ना आवत है समझ में। देखी ना, ये बात कबे से मन में बड़ा उलझन पैदा कैले बा। का उलझन पैदा कैले हो? कुल बात तो समझ में आवत है। हाँ, लेकिन है तोरे भीम जी का जवन बात है, ये समझ में ना आवत है। नहीं, यहाँ तक भी समझ में आवत है। हाँ, लेकिन दौड़ दौड़ भाग भाग जवन विदेश है जात रहलन। अच्छा, ये बतिया हमारे समझ में नहीं आवती है। अरे वाह, अब पता चलल कि हमार सौभाग्य कि ऐसन पढ़ल लिखल मिलल। सुनी ना, वहां ले दिमाग हो, अब मिशन हमार सार्थक होई। सुना सुना। हाँ, इतने में मत पगला। अच्छा, यहाँ ये लिखे तोरे भीम जी जो रहलन उनकरा के यहाँ दाना पानी नहीं मिलत रहल, ये विदेश से यात्रा बराबर कर रहा है, यह बतिया हमारा बड़ परेशान कैले हो। कुल बनाए के कुल गुण में गोबर कर दे, पढ़ लिख के कुल डाड़े इधरिया कर दे। अरे जब तुम ये नहीं जान पाई कि बाबा साहब अम्बेडकर बार बार विदेश क्यों जा रहे थे, कल गोलिया के वहां से लेके अलू है, अब नहीं से पूछ तो का पूछल जा तू बतावा। सुना हमार बात, पिपिया हो बात थी कि उस समय हमारे लोगों को उच्च शिक्षा लेने का अधिकार भारत में नहीं था, और बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि जब तक उच्च शिक्षा हम हासिल नहीं करेंगे, अच्छा, तो हम समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सुनो, बताइए, बाबा साहब बार बार विदेश क्यों जा रहे थे बतावा। रानी हो बहुजन का रानावा, रानी हो बहुजन का रानावा, भीम विदेशवा हो गई लेना, भीम विदेशवा हो। इस बहुजन समाज के हक अधिकार को मनोवादियों के पेट से निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के लिए भाग करके विदेश जाते थे। लंदन गए, ब्रिटेन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, वहां से पढ़ाई कर रहे थे कि जब शिक्षित बन जाऊंगा तब अपने 85 मूल निवासी बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ पाऊंगा। अच्छा, ई बात रहल। हाँ,
सुना ना। हाँ हमरा अब ही समझ में नहीं अब था माना शिक्षा बदे तक गई लन। हाँ लेकिन तमाम बात औरी उठले जोन का बात जोना के बारे में हमरा अब ही समझ में नहीं अब था। हाँ तो बतावा हम तो वहाँ समझाएं। सुना ना बाबा भीम विदेश से गईले जाके वो हमारू का कैले हो जाके काजी मना भीम जी विदेश की यात्रा शिक्षा के लिए कैलन। हाँ तो वहां जाके हमार खाति का कैलन ई जानत चाहत। हाँ शिक्षा कई के आगे और कोनो उनकर सपना रहल हो जौना के पूरा करे खाति प्रयास कैले हुई हैं। ई बात हमरा समझ में नहीं आवत है। अच्छा एकरा के बताई सुनी हमार बात। बाबा भीम विदेश से गईले जाके वो हमारू का कैले हो सुनत है हमार बात। सुनत है खूब प्रेम से काका देखले वो सपनवा काऊ देखले सुना सपनवा काऊ देखले सुना सपनवा भीम जी विदेशवा हो गईले ना यही से हम बताइला कि मेहरारून के बैठावल ऊँटे के साइकिल पर घुमावल बरोबर हो। तुम्हारे लोगन जितना चिक्कन होलो बुद्धि तुम्हें उनको उतना भर बंट भी। अरे तब पूछ लेनी तो काहे ला चिक्कन तो नहीं रहुआ बताई तबे ना कुछ जानब। ये करे तुम पढ़ी लिखी हो पढ़ी लिखी हो पढ़ी लिखी लोगों को पढ़ी लिखी हो लिखी पढ़ी होती ते बात समझ में आती। सुनो रहुआ बताई ना। सुनो अमेरिका लंदन भीम जी जाई जाके कैले खूब पढ़ाई हो अमेरिका में लंदन में ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया में बाबा साहब अंबेडकर लगातार जाते रहे क्योंकि उस समय इस देश में शूद्र समाज को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। अच्छा वहां गए बाबा साहब अंबेडकर शिक्षित बन करके कहे कि आऊंगा तब अपने शोषित समाज अधिकार वंचित समाज की लड़ाई लड़ूंगा और इनका पूरे अधिकार को दिलवाऊंगा। अच्छा ये बात रहा अमेरिका लंदन भीम जी जाई जाके कैले खूब पढ़ाई हो देखले सोसी तनक हो सपनवा देखले सोसी तनक सपनवा बाबा साहब अंबेडकर इस देश के बहुजन समाज शोषित अधिकार वंचित समाज का सपना देख रहे थे। अच्छा मैं इस उपेक्षित समाज को अधिकार वंचित समाज को अधिकार विहीन समाज को कैसे भारत में अधिकार दिला पाऊंगा इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर भाग करके
विदेश जाकर के सारी डिग्री को हासिल कर रहे थे, सारी पढ़ाइयां पढ़ रहे थे। ई बात रहल। हाँ अच्छा, घूम घूम के पढ़ाई कलन डिग्री ले लन। हाँ लेकिन एगो बात हमरा बड़ा खटकता। का खटकता? जवन ना समझ में आवत है ओकरा के बताई। तो हम जो नहीं समझ में आएगा उसको बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बताने के बाद फिर से चर्चा में मत जाना। जो जबले बता ना समझ जानना पड़ेगा। ए जबले ना समझ में आई तबले ना जाइब का? जाइबे ना करब? नहीं तो वही बते बतावत हैं कि जान के फिर से चर्चा में मत जाइया। अच्छा हाँ, का ना आया वो समझ में? सुना ना हमार बात। कैले घूमी घूमी सुना पढ़ाई, डिग्री के तना लेके आई हो। अच्छा पढ़ाई लिखाई कई बार डिग्रियों गिना ले रहा, पता नहीं कितना दिनों से चर्चा में बैठे तो वही बतियावे वाला बतियावे तो रहो। तुअरे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र काली नारद जितना यहाँ देवी भगवती देवता उनका राजा भी उतना डिग्री हासिल ना कर पौला। अच्छा ये बात रहल? हाँ खाली बनावल बात बतिया ही ना ढेर कर। अरे बाले बात बनावल बात हम बतियावत है। सुनी सुनी हम ही कहते हैं कि ब्रह्मा परम पिता रहना कहाँ पढ़ले रहना आ उनका लड़की रहनी सरस्वती ज्ञान दायनी स्वर दायनी विद्या दायनी संगीत दायनी वो कहाँ सिखले रहा कौने विद्यालय में पढ़ले रहा। अजब रहुआ भीमबादी निकरिए गई नहीं? भीमबादी निकर ना गईली, वो समय मेहरारू के पढ़े के अधिकार है ना रहल। उ तो बाबा साहब अम्बेडकर के देन है कि तेल फुले लगा के सेंट पिपरामेंट मार के बढ़िया बढ़िया लुगदा पहिर के माइक पर खड़ी है। बाबा साहब ना होता तो कहीं अबले चूल्हा चौका कर तू मन हमने बदे बाबा साहब कुछ कह के गई बना का आहा तनिको ना तू अनोन खाती तो कुछ करबे न कही बिना कहले 14 किस्म का पतले हूं। जायद भैया दोनों को मत बोला बवाल हो जाए। पहले न लोग के मना करा नहीं तो फिर न लोग जान ला बात बिगड़िए जाई। हमान का बातचीत होती है जहाँ गाड़ी बजी तो तुम लोगों से राय मुशविरा ले आई। सुनी हमार बात? कैले घूमी घूमी सुना पढ़ाई, डिग्री के तना ले के आई हो। कैले हमहन के का जतनवा, कैले हमहन के का जतनवा, भीम जी विदेशवा कैले ना। डिग्री कितना लेके आईना तू हम लोगन बदे जतन का कई। हाँ ई जानल चाहत हो? हाँ ई बात ही है। आई ब्रह्मा विष्णु महेश कवन जतन कैले हैं ये के जानत हो? देर कुछ तो ना जानते जितना हमन लोगन का माई माई हुई समझौली उतना जानत है। वह बात वही बदे हम कहत हई कि हमान का लड़का गुलाम ना हो, जैसे तुम्हार माई बाबू समझाए के तुम के वह भेजले हम। सुना भीम जी क्या क्या किए? मेहनत भीम जी देखा कैले, डिग्री 32 लेके आइले हो। ओ डिग्री मेहनत किए 32 डिग्री अब तक भारत में क्यों हूँ
प्राप्त नहीं कर पाया आज तक। 140 करोड़ लोगों में ये रिकॉर्ड है, पहला मानव। हाँ। भारत का 32 डिग्री के साथ 12 भाषाओं के प्रखर ज्ञाता। बाबा साहब अम्बेडकर जो ने प्रदेश में जाए वो भाषा में भाषण करें और लिखना भारत का संविधान, लिखना भारत का संविधान हो गई लेना। समझ में आया? हाँ, कुछ कुछ समझ में आवा था, ना समझ में आवा था तो हर कुछ बतिया एडवांस न बोला ला। जगह तो आप पहले बात सुना। हाँ, कुछ कुछ समझ में आवा था, कुछ ना आवा था। मतका कर इन दिमाग में इनके घुसत ना बजेगा। अब इनके दी है काली चाहती। सुनी सुनी। हाँ, तुहार भीम जी बड़ा डिग्री लेके आए लल। अच्छा। हाँ, तो मर्दन बदे सगरो करके गई लन। अरे बाल बाल, मेहरारून बदे कुछ ना। तब मैं बहिन बिटियन बदे का कहना हमके इहे समझावा। सुना हमार बात। हाँ। अरे साहेब हमके मरिया मा। अरे वो बात ना समझो तनी ना, मेहरारू को तनी से बात समझल करी। अब हमके कुछ भय टाइप लगत है। काहेला भय लगता? ये बदे भय लगत है, ऐसा डांट डांट के बतावत हूँ। हाँ तो डटबे न करब, का दूसरा पर से सवाल जवाब होता ना। अपना मर्दे से तो इतना हक से बतियेबे करी आदमी। हक से बतियावा समाज में तनी हमरो मान सम्मान है। बहने सभी ने कहा कि देखा ये लिया है ना भोगत हम। सुनी हमार बात? हाँ सुनावा, सुनी तुम्हार बात। 32 डिग्री लेके अइले, 12 अम्बेडकर जी इतना परिश्रम इतना प्रयास किए तो नारियों के बदे क्या क्या किए हैं जरा हमें आप बताएंगे। जैसा आपका आदेश हो। सुनिए मेरी बात। हाँ सुनाइए। 32 डिग्री लेके अइले, बेटी बहिन बदे कईले हो, झूठा गावेला दसतनमा, झूठा गावेला दसतनमा, भीमा जी विदेशमा हो गईले ना। जय हो। दस्तानवा झूठ ना है। हाँ। जैया ये बहुजन समाज के बेटी बहिन भाई बंद पूरा ये दस्तान के हमरे जान जैया वही दिन भारत बदल जाइए। अच्छा। बाबा साहब 32 डिग्री लिए, संविधान दिए और माता बहनों को उन्होंने हिंदू बिल कोड बना करके पूरा सम्मान दे दिया कि जिस सदन में पुरुष एमपी है वहाँ महिला भी एमपी होगी। पुरुष अगर पुरुष का नेतृत्व करेगा तो इस देश की महिला महिलाओं का नेतृत्व करेंगी। पुरुष और महिला को बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता में और बराबरी मिलाकर खड़ा कर दिए। ये बात सुनो, आज इतना भुकावत हो तुम खाली बाबा साहब को दे नहीं दबले धगे गगेलवा पटक दे लो जल्दी। बाबा साहब की वजह से तुम बहस कर रही हो, नहीं तो इतना बहस करने का महिलाओं को अधिकार है नहीं। अच्छा सुनो। सुनाई ना। रोकल बहुजन के बरा पाती,
इस बहुजन समाज को बर्बादी से बचाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश में बहन बेटियों को समानता में लाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश में जिला अधिकारी से डीएम से लेके सीएम पीएम राष्ट्रपति तक महिलाओं को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, समझ में आयल? हाँ समझ। सुनो, रोकल बहुजन के बड़ा पाती भीम जी हलय देखाया जाती, बिटिया बहिन के कारणवा, बिटिया बहिन के कारणवा भीम जी के समा हो गई लेना, इस पूरे देश में शोषित समाज के लिए महिलाओं में पुरुषों में जितने शोषित लोग थे सारे लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर विदेश भाग भाग कर भूखों रहकर खाली पेट रहकर प्यासे रहकर हमारी लड़ाई को उन्होंने लड़ा, तब आज सेना ऊंचा करके इस देश की बेटी बहन और हम सभी बहुजन समाज के लोग चल रहे हैं। समझ में आया? हाँ जी, रवा पास से हमार तक फुफड़िए खुल गई, खुल गई पूरा। हाँ पूरा दिमाग में रवा बात बैठ गई, जाने आलम वो समझावत रही रोज हमरा के ले जाता नहीं चादर चढ़वावे के वीरवार के देने। अरे वो कम पखंडी ना, कोई कलेटरी कचहरिया में हो सियद बाबा के थनवा में, तो वो ये सब पखंडी है। हाँ अरे मानो हो मानो बनकर रहो, धर्म इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था कि धर्म मानव को तोड़ता है और धर्म मानव समाज को जोड़ता है। जैसे तोरे जानी आलम वो पैदा भैली वैसे तू पैदा भैली, और सुनी ना हम पैदा है वैसे जानी आलम भी पैदा है। तो जब पैदा होकर का एकै स्थान हो खाए के सबके रोटी खाए के सबके दाल, तो विचारधारा में अंतर क्यों है? सुनी ना जितेंद्र भैया वो हमरा के कोतर लेके है ये मेरी छठ भूख लिया, ऐसा ना कि अबहिन हमार दया दर दयाद गोबराए रहा, अबहिन तू आके हम समझावे के चक्कर में तू शुद्ध हो जा, तब जितेंद्र बो के वीरेंद्र बो के जोगिंदर बो के महिंदर बो के तब सबके समझावल जाए। विनोद भाई कमल के लिए तो पूरा याफते मचेले, लेकिन ये हमार राजा सुनो, हम इसीलिए तुमसे कहते हैं कि गांव में पास पड़ोस के महिलाओं के यहाँ कम बैठा करो। ऐसा बिगाड़ देगी तुमको। ना ना बिल्कुल ना बैठा बाप, आज के बाद मत बैठे। नहीं बैठेंगे, अब सुनिए हमारी बात। हाँ हमारे दिमाग में बात जाके तोहर बैठ गई बा, अब एकरे खिलाफ कोनो कार्य ऐसा नहीं करो, सुनी हमार बात रहुआ। बतिया मानबु तू हरी रजऊ, करब भीम बिना ना कुछ हो, जय हो जय हो, हे बहुजन समाज के लोगन बात जात है, तो लोगन खाली फोन कई के हमके कहत हवा कि का करें भैया मेहररू है ना मानत है, वो मानी जब समझेबा तब देखा ये समझावत समझावत आज लाइन पर लिया दे ली। हाँ यही तरह तो लोगन समझेबा भैया, कोशिश करा सुनिए समझेबा सब मान जाए, वो लोग समझ जाए धीरे धीरे। हाँ हमार लोगन को हमारा और आपका ही विचार भाव देखी लोग तो जरूर परिवर्तन होई। सुनी हमार बात? हाँ सुनाबा। बतिया मान भू तू हरी रजऊ, करब भीम बिना ना कुछ हो, सीमा कौशल पूजी है चरणवा, सीमा कौशल पूजी है
चादर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। अब भीम चर्चा करब शिव चर्चा के छोड़ के।